हाय दोस्तों, मैं शोएब अंसारी आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो सोलार ऑन ग्रिड सिस्टम पे हम बात करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था सोलार डीसी सिस्टम कैसे वर्क करता है, तो दोस्तों मैंने ऊपर कार्ड पे लिंक दिया हुआ है, आप वो कार्ड पे क्लिक कीजिए और वो वीडियो देख लीजिए तो आपको समझ में आएगा कि सोलार डीसी सिस्टम किस लिए यूज़ किया जाता है। और आज जो बात होगी वो ऑन ग्रिड सिस्टम पर बात होगी। तो मैं से आपको एक नॉर्मल एक ये इमेज दिखा रहा हूँ, तो इसमें जो डीसी सिस्टम तो मेरा हो गया है, अभी ऑन ग्रिड सिस्टम चलेगा और नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद जो आएगा वो ऑफ ग्रिड सिस्टम आएगा। और उसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड सिस्टम में डिफरेंसेस क्या होते हैं मैं वो बताऊंगा। तो आइए देखते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम में दोस्तों क्या होता है कि हमें सोलार पैनल की ज़रूरत पड़ती है, साथ में एक सोलार कंट्रोलर की ज़रूरत पड़ती है और एक बैटरी की ज़रूरत पड़ती है। और ऑप्शनल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ग्रिड पावर, यानी जो हमें 230 की लाइन घर में जो आती है वो हमारा ऑप्शनल होता है। अब इसमें एक ग्रिड सिस्टम, इससे पहले हम जानते हैं ग्रिड सिस्टम वर्क कैसे करता है। ग्रिड सिस्टम जो मेन लाइन होती है, जैसे 230 जो हम घर में मेन लाइन आती है वो ग्रिड होती है, इसी तरह हम सोलार पैनल ग्रिड सिस्टम में ऑन ग्रिड सिस्टम में क्या करते हैं कि सोलार को मेन ग्रिड बना देते हैं। कि सोलार से टोटल जो एनर्जी है हम सोलार से ही लेते हैं और पूरे घर के अप्लायंसेस को सोलार पर ही चलाते हैं। हम ज़्यादा डिपेंड नहीं होते हैं इसके ऊपर, हमारे मेन ग्रिड जो मेन सप्लाई आती है 230 की घर के अंदर ऐसी सप्लाई, उस पर हम ये नहीं होते। चूंकि हमारे सोलार पैनल डीसी सिस्टम डीसी पावर देते हैं, डीसी में कन्वर्ट होके आते हैं सप्लाई, तो हम जो बीच में एक लगाते हैं सोलार कंट्रोल चार्जर लगाते हैं, वो क्या करता है कि एक इन्वर्टर का भी काम करता है प्लस बैटरी को भी चार्ज करता है। तो दोस्तों क्या इसमें सिनेरियो में आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहली चीज़ हमें क्या करना होता है, सोलार पैनल को सोलार कंट्रोल चार्जर के साथ में कनेक्ट करना होता है और साथ में बैटरी को कनेक्ट करना होता है हमारे सोलार कंट्रोल चार्जर के साथ में। तो इसमें क्या होता है कि जो बैटरी होती है वो चार्ज होती है सोलार के साथ में, प्लस सोलार का क्या करता है डायरेक्टली हमारे अप्लायंसेस को डीसी कंट्रोल के सिस्टम के साथ में चलाता है। दोस्तों आपको समझ में आएगा कि ग्रिड सिस्टम कहाँ वर्क होता है। ग्रिड सिस्टम ऑन ग्रिड सिस्टम में कैसा होता है कि हम सोलार पैनल को ही डायरेक्टली इसकी ग्रिड मेन ग्रिड बना लेते हैं। और एक दूसरी चीज़ क्या होती है कि जैसे न्यूजीलैंड वगैरह या अदर कंट्रीज है जहाँ पर वो लोग क्या करते हैं सोलार पैनल लगाते हैं और उससे नेट मीटरिंग करते हैं। नेट मीटरिंग का मतलब क्या होता है कि वो अपनी सप्लाई बैटरी वगैरह नहीं रखते, वो अपनी सप्लाई में गवर्नमेंट को देते हैं, जितनी इनको कंज्यूम होती है वो अपने वो यूज़ कर लेते हैं, बाकी गवर्नमेंट को जाता है जो अदर के यूज़ में आती है। तो ये एक ऑन ग्रिड सिस्टम ऐसा वर्क करता है दोस्तों। तो अब ऑफ ग्रिड सिस्टम कैसे वर्क करता है ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इसमें ऑन ग्रिड क्या होता है आपको समझ में आएगा कि हम डायरेक्टली मेन सोलार की ही पावर को अपने घर में यूज़ करते हैं एक सोलार कंट्रोल चार्जर के साथ से। तो इसमें कैसा है कि आपको 80% से टोटल सोलार की ही एनर्जी यूज़ होती है। इनकेस अगर बैटरी चार्ज करने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है तो हम मेन का यूज़ करते हैं या फिर जनरेटर वगैरह यूज़ करते हैं बैटरी को चार्ज करने के लिए, अदरवाइज तो पूरी पावर हम सोलार की ही यूज़ करते हैं इसके अंदर अपने घर के अप्लायंसेस चलाने को। दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ऑन ग्रिड सिस्टम कैसे काम करता है। इसी के साथ दोस्तों मैं आपके साथ अब विदा लेता हूं। और दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह के वीडियोस नॉलेजेबल जो आपको फ्यूचर में काम आए और आप अपने खुद के सिस्टम को खुद कैसे लगा सके, जैसे CCTV और अदर एक्सेस कंट्रोल वगैरह भी फीचर्स में लाने वाला हूं, तो आपको समझ में आएगा कंसेप्ट और आप खुद ये सब चीज़ें कर पाएंगे और ज़्यादा किसी चीज़ पर किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रह पाएंगे। दोस्तों इसी के साथ मैं आपके साथ विदा लेता हूँ। टेक केयर, अपना ख्याल रखें, बाय।